من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العلي العظيم سورہ لقمان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب لقمان کے ساتھ حکمت جڑی ہوئی ہے لقمان کو حکیم کہا جاتا ہے اور حکیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سے حکمت والی باتیں مطلب اچھی اچھی باتیں ہیں جو انسان کو راستہ دکھاتی ہیں جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہیں جو دل کو چھوتی ہیں ایسی باتیں جناب لقمان سے آپ کو بہت ملیں گی اکثر جناب لقمان کا جو خطاب ہے وہ بیٹے سے ہے اگرچہ وہ بیٹے سے خطاب ہے لیکن واقعاً رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں تمام انسانوں کے لیے اس میں واعظ ہے تمام انسانوں کے لیے اس میں عبرتیں ہیں یہ
सूरा जो कि खुद जनाब लुकमान के नाम से है, इरशाद होता है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तियात है। कई जगह के ऊपर अल्लाह ने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत हरूफ मुकत्तियात से की है। इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि हरूफ मुकत्तियात का जो वाकई और सही मतलब है वो मासूमीन के अलावा कोई नहीं जानता। ये सिर्फ मासूमीन ही जानते हैं कि इन हरूफ मुकत्तियात का सही मतलब क्या है और इसमें क्या राज छुपा हुआ है कि अल्लाह ने कहा अलिफ लाम मीम, हाम मीम, काफ हा या ऐन साद, यासीन, ताहा। ये जो हरूफ मुकत्तियात हैं इसका सही मतलब सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पता है। ये हिकमत से भरी हुई किताब की आयतें हैं। अब यहां से गुफ्तगू शुरू हो रही है, यानी ये जो कुरान है ये हिकमत से भरी हुई किताब है। इस किताब की ये आयतें हैं जो उन नेक किरदार लोगों के लिए हिदायत और रहमत है, यानी ये कुरान नेक किरदार लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। और इसी किताब की ये आयतें हैं जो नमाज कायम करते हैं। कौन से नेक लोग? जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। ये दो चीज़ें, यानी ये तीन चीज़ें अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में जिक्र हुई हैं। एक नमाज, दूसरे ज़कात, तीसरे आखिरत के ऊपर यकीन। और हकीकत यही है कि अगर आप देखें तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में सिमटी हुई है। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही फलाह यानी पाने वाले यानी कामयाब हैं। यहाँ के ऊपर एक फुटनोट है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। दुनिया में कौन सा इंसान है जो हिदायत और नजात का तलबगार ना हो? हर इंसान चाहता है हमको हिदायत मिल जाए, हमको नजात मिल जाए। किसी फिरके का हो, किसी मजहब का हो, हर फिरके और हर मजहब का इंसान यही दुआ करता है कि हमको हिदायत मिल जाए और हमको नजात मिल जाए। दुनिया में हिदायत मिल जाए, आखिरत में नजात मिल जाए। कुरान मजीद ने बार बार इस मौजू पर अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाया क्या मतलब? यानी हिदायत पाने वाले कौन है, नजात हासिल करने वाले कौन है। खाली कहने से हमको हिदायत नहीं मिल जाएगी, खाली कहने से हमको नजात हासिल नहीं हो जाएगी। अल्लाह ने कहा कि देखो हिदायत वाले ये लोग हैं, नजात वाले ये लोग हैं। जैसे शुरू में कहा था ये कुरान साहिबान तकवा के लिए हिदायत है, फिर साहिबान तकवा कौन है उसकी एक फेहरिस्त बता दी, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। ऐसे ही यहां के ऊपर ये बयान कर रहे हैं। कुरान मजीद ने बार बार इस मौजू पर अपना फैसला सुनाया है कि जिनके किरदार में नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, यानी हिदायत पाने वाले कौन लोग हैं? जो लोग नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स नजात याफ्ता नहीं है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि सब कुछ कर ले लेकिन नमाज का इनकार करता हो या ज़कात का इनकार करता हो, तो नमाज और ज़कात के बगैर न तो दुनिया में हिदायत है न आखिरत में नजात है। नमाज अब्द और माबूद के दरमियान मजबूत रिश्ता और मुस्तहकम ताल्लुक की निगरानी का नाम है, और ज़कात बंदगान खुदा की जिंदगानी के एहसास और कमजोरों की मदद और हुब्बे मालो दौलत से बेनियाजी का ऐलान है। ज़कात के दो फायदे हैं, एक तो जब आप किसी को देते हो तो उसकी मदद करते हो तो इस बुनियाद के ऊपर आपको सवाब मिलता है। दूसरे ये कि ये तसव्वुर हमारे जहन से निकल जाता है कि नहीं हमारा माल है। जब इंसान किसी को देता है तो ये तसव्वुर जहन से निकल जाता है कि नहीं हमने कमाया हमारा माल, नहीं तुम्हारा नहीं है, तुमको अल्लाह ने हाथ पैर ताकत कुव्वत जहन दिमाग दिया है, तुमने इस कुव्वत से इसको हासिल किया है, लिहाजा देने वाला वो है। जब देने वाला वो है तो उसने हिस्सा भी बताया है। तो इस तरीके से हुब्बे दुनिया इंसान के दिल से निकल जाती है ज़कात के अदा करने से। नमाज व ज़कात जमा हो जाए, यानी दोनों एक साथ हो जाए, तो इंसान का इनफरादी और इज्तिमाई किरदार मुकम्मल हो जाता है। इनफरादी
यानी व्यक्तिगत तौर पर भी यह इंसान अच्छा इंसान हो जाता है, समाज में भी इंसान बेहतर हो जाता है और वो वाकई हिदायत याफ्ता और कामयाब कहे जाने के काबिल हो जाता है। अब आगे की आयतें, लोगों में ऐसा शख्स भी है जो मुहम्मल बातों को खरीदता है। मुहम्मल का मतलब बेकार, उल्टी सीधी खुराफात। बहुत खरीदने का मतलब क्या है, यानी उल्टी सीधी बातों के लिए वो चाय पिलाता है कि उल्टी सीधी बातें उसके साथ कोई करे, उल्टी सीधी बातों के लिए उल्टे सीधे काम के लिए खाना खिलाता है। यह हुआ खरीदना, उल्टी सीधी बातों का खरीदना। वक्त पास हो, वक्त पास होने के लिए वो उल्टी सीधी बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करने के लिए चाय पिलाता है, पैसे देता है, खाना खिलाता है। ये चाय नहीं पिला रहा है, खाना नहीं खिला रहा है, ये बैठ नहीं रहा है, ये कुछ दे नहीं रहा है, ये खरीद रहा है उल्टी सीधी बातें, ये उल्टी सीधी बातें खरीद रहा है। लोगों में ऐसा शख्स भी है जो मुहम्मल बातों को खरीदता है ताकि इनके जरिए बगैर समझे बूझे लोगों को राह खुदा से गुमराह करे। ये उल्टी सीधी बातें इस वजह से इधर उधर करता है ताकि बगैर बेसर पैर के, कोई दलील ना, कोई आधार ना, कोई बेस ना, कोई बुनियाद, उल्टी सीधी बातें इधर उधर सुन के अब आके जो बेचारे हिदायत याफ्ता हैं, जो नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं, जो सकात देने वाले हैं, जो किसी की मदद करने वाले, उनमें रोड़े अटकाता है, उनके रास्ते रोकता है ताकि उनके जरिए बगैर समझे बूझे लोगों को राह खुदा से गुमराह करें और आयात इलाहिया का मजाक उड़ाए। हकीकत यही है, यानी जो अल्लाह की आयतें हैं, कभी नमाज का मजाक, ये सब आयतें हैं अल्लाह की, कभी रोजे का मजाक, कभी हज का मजाक, कभी जियारत का मजाक, कभी खैर खैरात का मजाक, कभी मजलिसों का मजाक, कभी महफिलों का मजाक, कभी किसी चीज का मजाक, कभी किसी चीज का मजाक, दर हकीकत ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उसके सामने आयात इलाहिया की तिलावत की जाती है तो अकड़कर मुंह फेर लेता है। जब अल्लाह की आयतें, ये कुरान की आयतें सुनाई जाती तो क्या करता है, मुंह बना लेता है, मुंह फेर लेता है, अकड़ जाता है, जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं हुई, और जैसे इसके कान में बहरापन है, ये सुन ही नहीं पा रहा है। ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। पैगंबर से हुक्म हो रहा है कि ऐसा इंसान जो आयात इलाहिया की जब तिलावत होती है या उनको समझाया जाता है या बताया जाता है, वास किया जाता है, नसीहत की जाती है, तो ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम, नेक आमाल किए, उनके लिए नेमतों से भरी हुई जन्नत, ऐसी जन्नत जिसमें नेमतें नेमतों से भरी हुई होगी, जो नेमत सोचो हाजिर वो उसी में हमेशा रहने वाले हैं, कि ये खुदा का बरहक वादा है और साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी है। हम वादा खिलाफी कर सकते हैं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं कर सकता। हमारे यहां कमी आ जाती है, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है और ना हो सकती है। उसी ने आसमानों को बगैर सुतून के पैदा किया। आप इतनी छोटी सी छत लगाई है, इस छोटी सी छत में भी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिलर मौजूद है सामने सामने, और जो साइड में पिलर है वो अलग। क्या कहना सुभान तेरी कुदरत, इतना बड़ा आसमान बना दिया, बीच में एक पिलर भी नहीं लगाया उसने, किसी एक पिलर के ऊपर ही आसमान को टिका देता। उसी ने आसमान को बगैर सुतून के पैदा किया, तुम देख रहे हो, और जमीन में बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए उसने, बड़े बड़े पहाड़, ताकि कि तुमको लेकर जगह से हटने ना पाए। ये पहाड़ क्यों डाले जमीन के ऊपर अल्लाह ने? कुरान कह रहा है ये पहाड़ इसलिए डाले ताकि ये इधर उधर डिसबैलेंस ना होने पाए, ये टिकी रहे, तुमको लेके इधर उधर ना होने पाए। ये मेखे हैं, ये पहाड़ नहीं है, इन पहाड़ों के जरिए से जमीन को रोका है अल्लाह ने।
ताकि तुमको लेकर जगह से हटने ना पाए और हर तरह के जानवर फैला दिए और हमने आसमान से पानी बरसाया है और इसके जरिए जमीन में हर किस्म का नफीस जोड़ा पैदा कर दिया है। आप देख लीजिए हर चीज का जोड़ा मौजूद है, कोई चीज बगैर जोड़े के नहीं है, हर चीज का जोड़ा मौजूद है। अल्लाह कह रहा है कि ये आसमान, ये जमीन, ये पहाड़ और फिर ये जानवर और ये हैवान और फिर खाने पीने की चीजें और फिर हर चीज का एक नफीस जोड़ा, ये खुदा की तखलीक है। तो काफिरो अब तुम दिखलाओ कि इसके अलावा तुम्हारे खुदाओं ने क्या पैदा किया। ये तो हमारा खुदा है, हमारे खुदा की ये शान है, अब बताओ कि तुम्हारे खुदा ने क्या पैदा किया है। दर हकीकत, और हकीकत यह है कि यह जालिमीन खुली हुई गुमराही में मुब्तला है। अब यहां से जनाब लुकमान की हिकमतों का जिक्र है और हमने लुकमान को हिकमत अता की कि परवरदिगार का शुक्रिया अदा करो और जो भी शुक्रिया अदा करता है वो अपने ही फायदे के लिए है। अगर अल्लाह ने हमको रोजी दी, इस रोजी का हमने सही मसरफ किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये हमारे ही फायदे के लिए है। अल्लाह ने हमको औलाद दी, इसकी सही तरबियत की, उसका शुक्र अदा किया, हमारे ही फायदे के लिए। अल्लाह ने कोई ओहदा मनसब दिया, इसका सही इस्तेमाल किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये हमारे ही फायदे के लिए है। और जो कुफरान नेमत करता है उसे मालूम रहे कि खुदा बेनियाज भी है और काबिल हम्द व सना भी है। यहां पर आयात करीमा के अलावा जनाब लुकमान की हिकमत के तस्करे सीरत की किताबों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक गुलाम थे और आका ने तमाम गुलामों को फल तोड़ने के लिए बाग में भेज दिया, जाओ फल तोड़ के लाओ। सब ने फल खा लिए, लुकमान ने इनकार कर दिया। तो वापस आकर सबने उल्टी शिकायत कर दी, किसकी? लुकमान की। फल तोड़े खाए सबने, लुकमान ने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, हमने तोड़ा है लेकिन हम खाएंगे नहीं। वो सब शिकायत कर दी कि देखो ये आपका हुक्म नहीं मानता है और ये है और वो है। मालिक ने लुकमान से पूछा तो उन्होंने कहा कि कै की दवा देकर सबको कै कराई जाए, कै की दवा देकर सबको कै कराई जाए। कै मतलब उल्टी। जनाब लुकमान अपने किससे कह रहे हैं? हाकिम से। उससे कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, इनको सबको दवा दो ताकि इनको उल्टी हो और फिर देखो इन्होंने क्या खाया है। चुनांचे ऐसा ही हुआ और सबके पेट से माले हराम बरामद हुआ। उल्टी जो की तो सबके पेटों से माले हराम बरामद हुआ और लुकमान की इज्जत में इजाफा हो गया। सच है हराम खाने वालों को एक ना एक दिन जिल्लत का सामना करना पड़ता है और माल हराम से परहेज करने वालों की इज्जत का मुहाफिज परवरदिगार है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा खबरदार किसी को खुदा का शरीक ना करार देना, इसलिए कि शिर्क इन शिरका ला जुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हकीकत यही है कि वो परवरदिगार की जिसने इतने हमारे ऊपर एहसान किए हैं, जो वाहिद है, अहद है, बेनियाज है, समद है वगैरह वगैरह, और जरा सा दुनिया में हमने किसी से कुछ देखा और उसी को अपना रब मान लिया और अपने रब के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया उसको, शिर्क है और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को मां बाप के बारे में नसीहत की है कि उसकी मां ने दुख भर दुख सह कर उसे पेट में रखा है, आसान नहीं है
9 महीने तक ये पूरा बोझ उठाकर घूमना, टहलना और लेटना और बैठना और आना और जाना, दुख पर दुख सहकर इसे पेट में रखा है और इसकी दूध बढ़ाई भी 2 साल में हुई है कि मेरा और अपने मां बाप का शुक्रिया अदा करो। सूरह बनी इसराइल में भी अल्लाह ने क्या कहा था, इबादत मेरी लेकिन नेकी वालिदैन के साथ, इबादत मेरी करो लेकिन नेकी वालिदैन के साथ करो। फौरन अपनी इबादत के बाद अल्लाह की वो वालिदैन के साथ नेकी। यहां के ऊपर भी अल्लाह क्या कह रहा है कि देखो दुख पर दुख सहकर इसने पेट में रखा है, दूध बढ़ाए की मुद्दत 2 साल है कि मेरा और अपने मां बाप का शुक्रिया अदा करो कि तुम सब की वापसी मेरी ही तरफ है। और अगर तुम्हारे मां बाप इस बात पर जोर दें कि किसी ऐसी चीज को मेरा शरीक बनाओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, मां बाप की इताअत कहां तक है? अहसंत, जहां तक वालिदैन का हुक्म अल्लाह के हुक्म से न टकराए वहां तक है मां बाप की इताअत। लेकिन अगर मां बाप का हुक्म अल्लाह के हुक्म से टकराए तो फिर मां बाप की इताअत नहीं होगी, अल्लाह की इताअत होगी। और अगर तुम्हारे मां बाप इस बात पर जोर दें कि किसी ऐसी चीज को मेरा शरीक बनाओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो खबरदार उनकी इताअत ना करना, उनका कहना ना मानना। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में इनके साथ नेकी करते रहना, यह है इस्लाम, यह है कुरान। कि अगर तुमसे वो शिर्क के लिए कहें शिर्क ना करना लेकिन दूर ना हो जाना, इनकी बेइज्जती ना करना, इनकी तौहीन ना करना, इनका खाना पीना ना बंद कर देना, इनसे मुंह मत फुला लेना, लड़ाई झगड़ा मत करना इनसे, बल्कि इनके साथ इसके बावजूद कि तुमको ये शिर्क का हुक्म दे रहे हैं, वो अपने दीन के ऊपर है, तुम अपने दीन के ऊपर हो, लेकिन देखो इनके साथ नेकी करते रहना। और उसके रास्ते को इख्तियार करना जो मेरी तरफ मुतवज्जे हो, फिर इसके बाद तुम सब की वापसी मेरी ही तरफ है। और उस वक्त मैं बताऊंगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारे कारोबार क्या थे। जब मेरे पास आओगे वापस तब मैं बताऊंगा। दुनिया में हर इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो जाहिर में है वो तो हमको पता, अंदर क्या मालूम वो क्या कर रहा है, किसको पता है। अल्लाह कह रहा है कि तुम दुनिया में चाहे जैसे रहो, हमने जो बताया है वैसे रहो, ठीक है, लेकिन आखिर में आओगे मेरे पास, जो कुछ भी किया है हमको सब पता है। और हम उस तमाम चीजों को जाहिर कर देंगे कि जो कुछ तुमने दुनिया में अंजाम दिया है। अब इसके बाद यहां से फिर जनाब लुकमान की और भी नसीहतें हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में आपकी खिदमत में बयान होंगी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हाँ, लेकिन मौलाना का भी फोन आया, उनकी तबीयत कुछ थोड़ा सा शायद नासाज है और इस वजह से उन्होंने माजरत की है, तो मैं आपकी खिदमत पर कर दूँ, आप लोग उनका इंतजार न कीजिएगा। الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة والنسك محياي ومماتي لله رب العالمين نماز کے سلسلے کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا غالباً یہ آج آخری درس اس سلسلے میں ہوگا۔ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہاری ساری کی ساری نمازیں، قل ان صلاتی و نسکی، اور عبادتیں، محیایا تمہاری زندگی، مماتی اور تمہاری موت، للہ رب العالمین، سب کی سب اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں
नमाज किसी भी आलम में माफ नहीं है। यानी कितना भी बीमार हो, रोज़ा साकित हो जाता है, हज की इस्तेतात ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इंसान नमाज में दरिया में डूब भी रहा है और नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है तो वो इशारों से पढ़ेगा। बिस्तरे बीमारी पे है, जब तक बैठ सकता है बैठ के पढ़ेगा, खड़े हो सकता है खड़े हो के पढ़ेगा, लेट के पढ़ सकता है लेट के पढ़ेगा, करवट ले के पढ़ सकता है तो करवट ले के पढ़ेगा। अब आप देखें, यहाँ पे कुछ बहुत सख्त चीज़ें हैं, मेरे अल्फाज कोई नहीं हैं। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने बिहारुल अनवार में इस सिलसिले में तफसरा किया, बेनमाजियों के सिलसिले में। कहते हैं, एलम अन्ना तारिकुस सलात, आगा हो जाओ, जान जाओ कि बेनमाजी जो तर्क नमाज को हलाल समझता, नमाज कुछ नहीं हलाल समझता, इसके कुफ्र पर उलमाए शिया का इजमा है। गैबत इमाम में उलमाए शिया का इजमा का मतलब यह है कि जिस पे तमाम उलमा को बुलाया गया हो और उसमें कोई एक ऐसी शख्सियत आ जाए और आने के बाद वो उस मसले का हल बता दे, यानी उसमें भी इमाम का हुजूर है, इसे कहते हैं उलमाए शिया का इजमा। कि हमारे तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो नमाज को हलाल समझे तरके नमाज को, वो काफिर है, एक बात तय हो गई। वो लिखते हैं कि जिसके बाद ये है कि जो नमाज के वाजिब होने का एतकाद रखते हुए तर्क कर दे वो काफिर तो है, अलबत्ता पै दर पै तीन नमाजों के तर्क पर वो कत्ल का मुस्तहक होगा। दूसरी बात क्या आई कि वो नमाज के वाजिब होने का तो एतकाद है, जिसमें हम आप सब फंसते हैं, हम वो जो नमाज को हलाल समझता है इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है। लेकिन नमाज तो वाजिब है, लेकिन अगर तीन दिन पे दर पे नमाज को तर्क कर दे तो इसके लिए जो है मिलता है कि ये कत्ल का मुस्तहक है और तर्क के नमाज पर ताजीर की जाएगी, इसको सजा दी जाएगी जो तीन दिन करेगा। अब कत्ल की रवायत में दो तीन रवायतें हैं। अहमद ने कहा यह कत्ल बरबिनाए हद नहीं है, सजा के तौर पर नहीं है, बल्कि बरबिनाए कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज को वाजिब किया उसका यह इनकार कर रहा है। हमारे यहां तारिकुस सलात को पहली ही मर्तबा कत्ल नहीं किया जाएगा, अल्लामा कहते हैं पहली ही मर्तबा कत्ल नहीं किया जाएगा, और न उसे कत्ल किया जाएगा जिसको तर्क सलात पर सजा दे दीजिए। मसलन जमाने हो इमामत है, एक ने नमाज नहीं पढ़ी, इमाम के सामने हाजिर किया गया, उसे सजा दी गई, तो पहले ही दिन कत्ल नहीं किया जाएगा, या जिसे सजा दी गई हो। अलबत्ता उस शख्स का कत्ल वाजिब है जिसे पहली बार नमाज तर्क करने पर सजा दी गई हो और फिर उसने दूसरी बार नमाज तर्क की और इस पर भी सजा दी गई हो, यानी दूसरी मर्तबा भी सजा दी गई, फिर इसी तरह इसने तीसरी बार भी नमाज तर्क की और उसे तीसरी मर्तबा भी सजा दी गई, जितनी मर्तबा इसने तीनों मर्तबा नमाज तर्क की सजा दी गई, चौथे दिन इसे कत्ल कर दिया जाए, तीन दिन इसे सजा दी जाएगी और इसके लिए तौबा कोई फायदा नहीं देगी। ये जो है बात तय है। अब यहां से आप देखें,
अल्लामा फरमाते हैं कि तारिकुस सलात के काफिर होने पर उलमा का तो इजमा है, और अगर नमाज के वाजिब होने का एतकाद रखता है मगर नहीं पढ़ता है, ये तो मानता है कि नमाज वाजिब है मगर नहीं पढ़ता है, तो काफिर नहीं है। इसलिए कि इसका एतकाद है कि नमाज वाजिब है, काफिर नहीं है, मगर तीन दिन नमाजों के तर्क करने के बाद कत्ल का मुस्तहक जरूर हो जाएगा। ये कब? जब इमाम की हुकूमत हो। अब देखें आगे, अब इसमें कुछ शर्तें, सात शर्तें लिखी। उलमा का इजमाई फतवा है कि तारिकुस सलात काफिर है, जो नमाज को तर्क करता है या हलाल समझता है वो काफिर है। दूसरी चीज, तारिकुस सलात वाजिबुल कत्ल है, चाहे तीन दिन के बाद चाहे पहले दिन, लेकिन वाजिबुल कत्ल है, ये भी फाइनल है। तीसरी चीज, इसमें इख्तिलाफ है कि कत्ल पहली नमाज के बाद किया जाए कि तीन दिन के बाद किया जाए, कत्ल तो होना है, इख्तिलाफ सिर्फ इसमें है कि पहले ही दिन इसकी गर्दन मार दी जाए कि तीन दिन के बाद मारी जाए। अब समझें चौथी चीज, अगर इमाम जमाना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में न होते और अवाम के सामने होते और हुकूमत व इख्तदार में होते तो आज जितने बेनमाजी हैं इनका क्या हश्र होता, बताएं ये बेनमाजी फायदे में है कि नहीं? जाहिरी तो फायदा है, चल फिर रहे हैं, लेकिन आखिरत में तो नुकसान ही। फर्ज करिए पहली नमाज के बाद न कत्ल करते इमाम सजा देते, दूसरी नमाज तर्क करता न कत्ल करते सजा देते, तीसरी नमाज तर्क करता न कत्ल करते सजा देते, चौथे दिन तो बचने वाला नहीं, यानी चार दिन से ज्यादा जिंदा रहने का हक बेनमाजी को नहीं। पांचवीं शर्त लिखते हैं, चौथे दिन जब बेनमाजी मुसलमान को कत्ल करने के लिए ले जाया जाता और वो वहां दुहाई देता, हुजूर सरकार मैंने नमाजें तो नहीं पढ़ी लेकिन आपको दोस्त रखता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, तो क्या इस बेनमाजी की जमा खर्च जो है इसे कोई फायदा पहुंचाएगी? दावाए दोस्ती इसके कुछ काम नहीं आता हरगिज। जैसे हम अरे मौला के मानने वाले हैं, मौला के चाहने वाले हैं, अरे मौला का ये गुलाम भी कह दे महशर में कि ये हमारा है तो बेड़ा पार है, समझ रहे हैं? मौला को भी तो कहना चाहिए कि ये मेरा है, इसीलिए मौलाए कायनात पुले सिरात में कहेंगे हे अलकुम ये तुम्हारा है, जिसको मौला कहते रहेंगे जहन्नम लेता रहेगा, ये मेरा है पुले सिरात पार कर जाएगा। छठी सब, क्या इस्लाम की तारीख में ऐसे लोगों के जिक्र से खाली नहीं जिन्होंने आइम्मे मासूमीन मसलन जनाब अमीर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने आकर ये नहीं कहा कि मैं आपको दोस्त रखता हूं, मगर मासूम की तरफ से इस जबानी दोस्ती का खैर मकदम नहीं किया गया? मौला जिहाद करिए हम हाजिर हैं, तनु कूद जाओ, क्या हुआ? जबानी जमा खर्च। सातवीं शब्द आखिरी, बेनमाजी मुसलमान याद रखे कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत होती तो बहरहाल वो कत्ल कर दिया जाता। जाहिर है कत्ल होने और नमाज को सुबुक और हकीर समझकर छोड़ने वाला अपनी जिंदगी का नाजायज फायदा उठा रहा है, इन्हें इसकी इत्तला नहीं कि ये जिंदगी गजबी है। बताइए गजबी पानी से वजू सही है? गजबी नमाज लिबास पे नमाज सही है? गजबी मकान में नमाज सही है? तो जब गजबी पानी से वजू सही नहीं, गजबी लिबास से नमाज सही नहीं, गजबी मकान से नमाज सही नहीं, तो गजबी जिंदगी से कोई अमल सही होगा? अब चाहे जो करते रहो, चाहे जितनी नियाजें करो, चाहे जितनी मन्नतें करो, चाहे जितनी जो करो, इसलिए
कि रवायत में क्या है, सबसे पहले नमाज को देखा जाएगा। अगर तुम्हारे नामे आमाल में नमाज कबूल तो फिर दूसरे आमाल की तरफ नजर की जाएगी, वरना वही चैप्टर पूरा कर दिया जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि यह सारी चीजें बातें, इंसान पहले नमाज का पाबंद होकर जिंदगी को जायज बना ले। जिंदगी ही नहीं जायज है बेनमाजी की, जायज बना ले और हलाल बना ले, फिर दूसरे उमूर खैर की तरफ मुतवज्जे हो। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अव्वलो मा नजराफी अमल, सबसे पहले कयामत के दिन अमल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर ये कबूल इन कुबिलत कुबिल अमा सिवा, अगर ये कबूल तो दूसरे अमाल कबूल। अहले बैत अतहार ने नमाज के लिए किस कदर हिदायतें की, किस कदर हमें मुतवज्जे किया। तीन दिन खुद उन हजरात की तरफ से नमाजें पढ़ते हैं, शियाने अली से पोशीदा नहीं है, लिहाजा मुहिब्बाने अहले बैत अतहार पर फर्ज है कि नमाज के पाबंद होकर इतरत की दोस्ती का हक अदा करें और मोहब्बत का सबूत दें। दो हदीसें, मसला जनाब से पूछिएगा हमसे। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वजू बातिल, नमाज के लिए वजू वाजिब है। एक जगह रवायत में मिलता, मौला फरमाते हैं अगर कोई इंसान बगैर वजू के नमाज पढ़ता है तो कहा मुझे गुमान है कि कहीं जमीन फट ना जाए और इंसान अंदर ना चला जाए। एक रवायत अहले सुन्नत की किताब सुनन इब्ने दाऊद, उसमें भी है पैगंबर से कि अगर तुम्हारा वजू टूट जाए तो तुम जाके वजू करो और फिर नमाज पढ़ो। अब बहरहाल बहुत बड़ी जमात है, अब इसके अंदर नमाज जमात में क्या होता है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आप जनाब से मसला पूछ लीजिए क्या करना है। दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमाए, उलमा-ए-इलाम के सायों को हमारे सरों पर बाकी फरमाए, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको उनके ऐवान अंसार में शुमार। मोहम्मद।